हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लोग इंदा सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी एकेडमी एंड कंपटीटिव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस का फर्स्ट चैप्टर था लाइट। वहां से हमने ये टॉपिक लिया है आपका अवतल दर्पण और बने पर्दे। इससे पहले कि आपने देखा होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तीन वीडियो पहले बन चुकी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आवासीय प्रतिबिंब क्या है, इन प्रतिबिंबों के बारे में तो हमें बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब को बनने के लिए प्रकाश की दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है या जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब ऐसी दो किरणें जो एक दूसरे को काटती हों या फिर एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हों तो वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सेकंड नंबर वास्तविक प्रतिबिंब जब दो प्रकाश की किरण एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वहां पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और आवासीय प्रतिबिंब जब दो प्रकाश की किरण एक दूसरे से मिलते हुए महसूस हो तो वहां पर हमारा आवासीय प्रतिबिंब होगा। और ये आपका पॉइंट है, इसे भी जानना जरूरी है, किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपकी प्रकाश की किरण आती हुई आ रही है और अवतल दर्पण पर अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। ठीक है, ये आपकी प्रकाश की किरण। ठीक है, अब हम देखेंगे और भी दो पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये भी दो नियम के बारे में जाने, यदि कोई किरण फोकस से होती हुई जाए दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपकी कोई प्रकाश की किरण है फोकस से जा रही है दर्पण से परावर्तन के बाद, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये आपकी किरण होगी और ये किरण आपने रहस्य दी है रहस्य, यदि कोई किरण फोकस से होती हुई जाए और दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से चला जाएगा। ये आपकी कोई प्रकाश की किरण है वक्रता केंद्र से जा रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम से या उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब फोकसर बनेगा और प्रकृति आपकी वास्तु का उल्टा बनेगा और आकार आपका बिंदु के आकार का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी हो तब आपका प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के बीच में, मतलब सी और एफ के बीच में बनेगा और प्रकृति आपकी वास्तु का उल्टा होगा और आकार वस्तु से छोटा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो या जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो या आपकी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जब उसकी स्थिति आपकी वक्रता केंद्र पर बनेगा प्रकृति आपकी वास्तु का उल्टा होगा और आकार आपका वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, और जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब आपकी स्थिति आकार वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, प्रकृति वास्तु का उल्टा होगा और उसका आकार वस्तु से बड़ा होगा। ये कोई आपकी वस्तु है ए भी डैश। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब यानी पांच स्थिति के बारे में, जब वस्तु एफ पर हो तब हमारा प्रतिबिंब प्रकृति आपकी वास्तु का उल्टा होगा और स्थिति आपके अनंत पर और प्रतिबिंब सारी वस्तु से बड़ा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अनंत पर यहाँ पर कहीं आपका आगे आगे प्रतिबिंब बनेगा और प्रकृति वास्तु का उल्टा, स्थिति अनंत पर और प्रतिबिंब सारी वस्तु से बड़ा। और छठवीं स्थिति आपकी वो है जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो। ठीक है, ये आपका पी ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में आपकी कोई वस्तु है ए और बी रखी हुई है और इसका प्रकृति आवास सदा सीधा स्थिति दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब साइन बहुत बड़ा। ये क्या कहते हैं एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है, आप देख लेना एक या दो नंबर में ये पूछा जाता है, जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो और ये होता है आपका आवासीय तथा सीधा प्रतिबिंब, ये आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और इससे पहले मेरी जो वीडियो है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे फेसबुक से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, वहाँ से आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमारे वीडियो के जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।